सासरा में थाना छाता के अंतर्गत ये हमारा विद्यालय संस्कृति विश्वविद्यालय पड़ता है। इसमें कल करीब 10:30 बजे के बीच में एक बच्चा प्रियांशु तिवारी की बॉडी जो चोटिल अवस्था में थी ये इसके विद्यालय के पीछे पाई गई रेलवे ट्रैक के पास। ये कुछ लोग कहे कि इसको रेल से टक्कर लगी है, कुछ लोग अपनी तरह तरह की बातें की। उसके माता पिता को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सूचना दी, वो लोग आए। उसका पहले तो लोग पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे, उसको ले जाना चाहते थे। इसको केडी अस्पताल में जाके बीच में भर्ती भी कराया गया, लेकिन वहाँ पर जब गया तो उसको डेड घोषित कर दिया। तो इसी बीच परिजनों जब सूचना पर जब वो आए तो उनके माता पिता उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे, तो उन्होंने उस लाश को ऐसे ले जाने के लिए कहा। तो हमारी पुलिस भी आ चुकी थी, उन्होंने कहा पोस्टमार्टम के बाद ही लाश ले जा पाएंगे। तो पोस्टमार्टम उसका कराया गया, उसके कुछ चोटें आई हैं, लेकिन उन्होंने अन्य कोई प्रार्थना पत्र इस बारे में नहीं दिया और उसी समय अपना लाश लेके एटा चले गए थे। आज कुछ विश्वविद्यालय के बच्चे सुबह इकट्ठा हुए, उनका कहना यह था कि विश्वविद्यालय हमारी सुरक्षा की गारंटी उसको रखनी चाहिए, और जिस तरीके से घटना हुई है, किस किन परिस्थितियों में पीछे गया है, वहाँ इसके टक्कर हुई है, कैसे हुआ, ये तो विश्वविद्यालय का दायित्व है कि आगे पीछे अपने विश्वविद्यालय की सुरक्षा लगाए। और ये एक नंबर एक मुद्दा था। नंबर दो मुद्दा ये हुआ कि इसके पिता को कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। इसमें बताते हैं शेरगढ़ के प्रधान का एक बच्चा है जो उसमें काफ़ी सक्रिय रोल अदा किया। उसने शुरुआत में यहाँ विश्वविद्यालय परिसर में तोड़फोड़ भी शुरू कराई, क्योंकि अध्यापकों से सहमति उसकी नहीं बन पाई इन दो बातों पर। तो बाद में फिर कुछ बच्चे और उसमें शरीक हुए जो रोड जाम करने का प्रयास किए और रोड देर जाम भी किए। बाद में पुलिस आई तो इस मामले का निस्तारण कराया।